खुशी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि गांव में भैंस चराने वाले नौजवान साजन लाल आज सुपरस्टार गायक बन चुके हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम विराजमान है और कहते हैं कि जब चाह सच्ची हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। अपने बचपन की प्यार को हासिल करने के लिए साजन मुंबई जा पहुंचे और अपने महबूबा को हासिल करने के जुनून ने उन्हें सुप्रसिद्ध गायक बना दिया। आज की लोकप्रिय गायिका रानी उर्फ कल्पना और साजन की सगाई बचपन में ही हो चुकी है और कल दोनों परिणय सूत्र में बन चुके हैं। हम उनके मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहन, हमारी बेटी के सास ना माई बन के रखिया। चिंता मत करें, रानी की महारानी जैसा रखो, माई का कब्बो कमी ना होके दे। चलो बेटा। देखी ना, राउर सपना बेटा पूरा कर दिलास। रानी के बहु रानी बना के लिए है। भले तो ये दुनिया में दुनिया खाती नहीं खा, लेकिन हमार दुनिया तो दोहरी से आबाद बा। हमके आशीर्वाद दे भौजी, ताकि जब तक ले दुनिया में हम रही तोहरा के जिंदा रख सके। तब पहले ये बताई कि बड़की माई हम कब बनब। तोरा से ज्यादा जरूरी तो हमारे बा भौजी। हाँ। चिंता मत करा, सौरी लिपे खाती तोरे के बुलाई। हाँ। सौरी के सौदा तैयार बा, जाई तरुआ है ना आई तब ना हम जाई। का फुलाओ ना, बिना हुए भरले फूल झूल गई लू। पहले आंख बंद करी। अगर ते हमार दोस्त ना रहती ना तो प्राकृतिक से खिलवाड़ हो जाए। अच्छा, तो ये नाटक तोहरा दिमाग के फाटक से निकलल बा। शर्म करी। हाँ। Don't worry, बेसरम उड़ गया सा। तनी पियरी हाली दियरी बुताओ, छोड़ाया न कानी रानी बहिया में आओ। खोला तनी पियरी हाली दियरी बुताओ, छोड़ाया न कानी रानी बहिया में आओ।
चाय पीनी? चाय के साथे साथे नमकीनो भी तो जरूरी बा। दरवाजा खुलल बा? खुले तो हमार काका खुलल बा, तोके पता बा। ए बेटा, हां तू नु अंगरी हमार तुहार बताई हां एक पकड़ ले। हां 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 ए बेटा तू तन पकड़ ले। हम बनूंगा साजन के बेटा जरूरत हो गई तो नानियों के काम पे लगा ला, दो चार पैसा कमा लिए तो आदमी हो जाइए सब ठीक बा भाई। चल खड़ा हो जाए, खड़ा हो। हेलो साजन जी की जय, साजन जी की जय। धूम मचा दे, धूम मचा दे और धूम मचा दे। का बताई साजन, हमें को सपना देख ले रही कि तू एगो बड़ सिंगर बनबा, तो बन गए ला। अब हम फिर एगो सपना देख ली, तू बात पागल हो जीबा। अब कौन सपना देख ले बनी? तू फिल्म के बहुत सुपरस्टार बनबा और तो रखे हम बनाए तीन फिल्म के ऑफर एक साथ है। यह एग्रीमेंट फॉर तीन फिल्म साइन कर। अरे पहले साइनिंग तो दी। साइनिंग हम दी? हाँ। अरे हम अरिस लियास पाड़ी तोरा के हीरो बनावे खातिर अब पहला फिल्म में खाली 5 लाख और दूसरका में 10 लाख और तीसरका में 15 लाख तू हमरा के देबा, तब ना गोल्डन जुबली फिल्म बनाई और तोरा के सुपरस्टार बनाई। नाम साजन कुमार से हो जाई जुबली कुमार। डायरेक्टर साहब आई लागत है सपना और पूरा ना है काहे आएगो। और बात अपने मेहरबानी के मेहरारी अपने कपार पर बैठा ला और फटाफट यहाँ से निकल गया और ना ही तो जान तरह का है तहार फिल्म हम बनाई दे। डायरेक्टर गौरी शंकर के बेइज्जती, हम तोरा के हीरो बनाओ के गोल्डन चांस लेके आल बारी साजन, फिर से सोच रहा। बाबू चाटू फाटू हले देख लो आकर के उठा के जल्दी से जल्दी फेंका दो। साजन साजन अपनी किस्मत पे ठोकर मत मार, हां दुआरे फाक चल के आ लो। बहुत पछताई दे। बंसीलाल के एहसान तो अपन बेटी के दान दे के चुका देली, लेकिन साजन के दिहल 6 करोड़ कैसे चुकाए? एहसान, एहसान बहुत खामोश होला, वो अंदर ही अंदर इंसान के इतना खोखला कर देला कि इंसान जिल्लत के मौत मरे पर मजबूर हो जाला। हसमुख जी, बेटी के आड़ में अपन हार कह चुका था, नहीं क्या कर सकेली? बहुत कुछ, अभी भी कुछ नहीं के बिगड़ल। वक्त के नजाकत के समझी, कल्पना चूल्हा चौकी खातिर ना, एगो महान गायिका बने खातिर जन्म ले ले बाड़ी और उनका शिखर भी पहुंचाने खातिर हम अपन सब कुछ दांव पे लगा दियो। बस राहुल सपोर्ट चाहिए। कैसा सपोर्ट? जैसे श्री राम के भक्ति में हनुमान जी अपन शक्ति भुला के रहले, वैसे ही कल्पना साजन के प्यार में अपन कला और करियर दोनों भुला के पड़े। जाई जाई रवा याद दिलाई और कोयला से कोहिनूर निकाली, वादा करता है दौलत और शोहरत रोज सिर पर आए। भारत जी,
जी खुश रहो। रउआ लोग बैठी, हम हलवा बना के लिए आते नहीं। बैठी जी, बैठो भैया। माई कैसन बाड़ी बाबू जी? जब डाली से फूल टूट जाला ना, तो पौधा उदास और फुलवारी सुनसान हो जाला। बेटा साजन बाबू नहीं गेलो कर फिल्म सेट गेल बानी, ओही की शूटिंग खातिर गेल बानी। कितना अजीब बात हो, साजन बाबू गायक से नायक बन गई और तू गायिका से गृहिणी। अरे हम तोरा खातिर गा गा सपना दिख ले रही। बाबू जी जवन सपना रवा हमरा खातिर सजब ले बानी, वही सपना हम साजन खातिर देख ले बानी। बाबूजी, हमरा नजर से देखी राउर सपना जरूर पूरा हुई। बस फर्क इतना रही कि राउर बेटी ना दामाद पूरा करी है। बिटिया, जब अपन खून बदरंग हो जाला तो दूसरे का खून पानी नजर आवेला। बिटिया, हमरा के पूरा विश्वास बाकी हमार खून हमरा सपना के बदरंग न होने दे। तू हमार सपना जरूर पूरा कर, काहे कि हम तोहरा के हमेशा अपन बेटी ना बेटा समझे। बिटिया, हलवा तैयार हो गल है, संदी जी के लेके अंदर आवा। बैठी बाबूजी। हाँ बेटा, ले हलवा खाए भाई साहब। और इतने से काम ना चली, हम खाना बनाओ थे, खाना खा के जाए। बाबूजी, हम माई के हाथ बटा खाते जाते नहीं। हमार बेटा एक दिन तोरा बेटी के अपन दुल्हन बना के ले जाई। बंसीला, जौन हवा के तोहार परिवार ब्रिसास का ताज की समझता, वो दरअसल आंधी का झोंका है। और जौन दिनी आंधी तूफान के रूप में बदली ना, तुहारी सपना का घरौंदा तिनका तिनका करके उड़ जाए और तब तुहारी चीत हार में बदल जाए। भाई साहब, कुदरत का खेल तो देखी मौजी, आज ही सब देख के जवान आदमी सबसे ज्यादा खुश हो वो हमने के बीच में देखे। शायद हमरो कुछ होगा। नहीं भाई साहब, ऐसे मत कही, होने के क्या डाल सकेला। मौजी, हमरा के लागत बाकी बत्ती भैया हमरा से घात बांटे के हमरा के अपने साथे ले चला। हसबुक कुछ दिन तोरा साथे रहे का मन कर रहा था। राहुल इजाजत हो के तब बंसी भैया के अपने घरे ले जाएंगे। भाई साहब, जिकरा खातिर दिल में इज्जत होला ओकरा लगे रहे खातिर केहू के इजाजत लेवे के जरूरत ना पड़ेला। ले जाए मार्केट, फिर अंदर शिफ्ट। का होता? भैया तो का होता रे? भैया ताकत रहले कि तू अपन गिफ्ट कैसे सिद्ध करेला। अगर गाड़िया के पेंट खराब भइल ला तो तनी के चेहरा के डेंटिंग पेंटिंग बिगाड़ दे। ओके, आई एम सोरा। खाली लड़त आलो। हमरे बेटी के हर एक सुर साजन के रागला पता। डोंट वरी हसमुख जी, अब राग भी अपन हुई, ताल भी अपन हुई और गई है कल्पना। पैसा के पेड़ झाड़ब हम और बटोरब कौशल जी। जिंदगी का गाड़ी जब पटरी से उतर जाला ना,
कितना आदमी याद है हसमुख जी, हमारे पास दुगो ऐसा घोड़ा पाड़े सन जो देखे में गधा लागे सन, लेकिन जब दौड़ लगावे सन तो कनिक जीत के लक्ष्य आंधर आदमी के भी दिखाई पड़े लगे। चिंता मत करी, दौलत का राजगद्दी पर बैठ के राउर के शोहरत के अरमान भी पूरा हुई और हमारा अरमान भी अधूरा रहा है। रहल बात बंसी लाल के, तो बंसी लाल के भी आत्मा आए हाय उनके दोस्ती के जमीर जाग गई, घरे ले जाए कहना था हम मना ना कर पौनी। माना तो हम कर पाई थी माई, लेकिन हमके विश्वास नहीं क्यों? राहुल विश्वास हम मानी जी। वैसे भी बेटा जब पत्थर पिघले ला ना तो बारस बन जाला। रुक जा, फूल वाला मत चढ़ाओ। बाकी स्वर्गवासी इंसान के फोटो पर तो फूल माला चढ़ावल जरूरी होला जी। बंसीलाल तोरे नजर में बदल पड़ा, वकील हमारा खातिर तो वो आज भी चिंता पड़ा, और जिंदा आदमी के तस्वीर पर फूल माला ना चढ़ावल जाला। जब रिश्ता गहरा हो जाला तो इंसान की ऊंचाई और बढ़ जाला। रिश्ता का गहराई तब और बढ़ जाई बंसीलाल, जब हमार बेटी सुपर स्टार सिंगर बन के एक घर में आए। नाइस लोकेशन। भैया लगा था कि कोनो मोटान अबे सुन बकवास बंद कर और जाके मेहमान के अंदर लेके आ। जा सर। 5000 रुपया हमारे अकाउंट में डाल दीजिएगा। ओके नमस्कार। ओके ओके हेलो 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 पहले क्या? हाँ आई एम चाटू साजन लाल कैप्टन सेक्रेटरी अरे पाटू साजन लाल को पानी पिलाता है बैग धोता है। ओके ओके नाइस नेम नाइस नाइस बच्ची बच्ची पर ना प्याजी पड़ा पड़ा बच्ची बच्ची तू है सिट तू हर सिट जी। हम प्रोड्यूसर दमदम तिवारी जी 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 और हम डायरेक्टर यू नो बम बम बिहारी। फाटू जा मेहमान लोग खाती चाय नाश्ता लेके आ। गुड नेम फाटू। तो रघु सब के फिल्म बनावे के बा? भविष्य में तब बनावा जाए। तो एल्बम बनावे के हुई? हाँ फिल्म के पहले तो एल्बम बनावे के ही पड़ी। अरे महाराज रोलू के करे के का बा? अब प्रोग्राम करे के बा। हाँ अच्छा, अच्छा, प्रोग्राम अच्छा, अच्छा। हाँ। लेकिन ब्याजी हमने के इच्छा रहला कि रउआ साथे अगर कल्पना जी गोईती तो बड़ा नीक हुई। देखिए शादी से पहले राउर जोड़ी हिट रहे और शादी के बाद भी राउर जोड़ी हिट रहे। ये बात के क्रेडिट हमने के मिले के चाहिए, कहे कि शादी के बाद वाला पहला प्रोग्राम हमने के सौजन्य से होता है। अरे रवलू तमरा मुंह के बात छी लेनी। हम वो फैसला कर चुकल बानी कि बिना कल्पना के अपना जीवन के कोनो प्रोग्राम ना गई। जय हो जय हो। दमदम जी ई प्रोग्राम राउंड बहुत स्पेशल हुई। अच्छा ऐसे कि एगो ऐसा गाना बा जी जवन की हम पति पत्नी के प्रेम के कलम से रिश्ता के पन्ना पर लिखा है। जय हो। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकेला पर अपने औरत का कामयाबी ना, सिर्फ हमरे बेटी के साथ गाय का फैसला करके तो हर बेटा पहला गलती कर चुका है। अब जल्दी उकरे हौसला का हारमोनिया बज जाए। अच्छा
भोजपुरिया दर्शक के दिल पे के राज करेला आपकी कल्पना जी दोनों आदमी और ताली एक हाथे ना बजेला जब दो को हाथ मिलेला ना तब गड़गड़ा के ताली सुनाई देला हमने के जब भी दोनों आदमी एक साथ गाइज जा तई नजारा रुआ सबके देखे के हमेशा मिल व्यास जी कहल गई बा हर कामयाब इंसान के पीछे कोनो ना कोनो औरत के हाथ होला लेकिन आपके पास तो पूरा का पूरा औरत बाड़ी ता जीवन साथी के साथ सात जन्म तक होला और उन लोग सात घंटा साथ में देख के तकलीफ में आ गई चला कल्पना
हमरा तो आपके भविष्य तकलीफ में नजर आ रहा है। काहे कि रउआ के कल्पना जी पहला बार मौका दिल रही अपना साथे गावे के, और रउआ बन गई सुपरस्टार। आजो देख ली रउआ अपन गायकी के नैया कल्पना जी के सहारे पार कर ले। क्वेश्चन बा व्यास जी, अपन पहचान खुद बनौले बानी, हम तो केवल इनकर परछाई है। अगर ऐसा बात बा तो व्यास जी खाली आपी के साथ गावे खातिर काहे ऐलान के लिए बढ़े? ये हमार मर्जी बा, का अपना जिंदगी का हर फैसला तोरा लोग से पूछ के ले। फैसला तो हो चुकल बा कल्पना जी ना, बल्कि आप इनकर परछाई हैं। काहे कि परछाई हमेशा इंसान के पीछे चलेला। आखिर कबले औरत के पल्लू पकड़ के चलबा? अपना छोटा जबान के ढेर मोटा मत कर, ना तो इतना मारब ना कि मेहरारू के पल्लू तो दूर के बात बा, अपन भगल पकड़ के लायक ना रहे। समझ ली? चल। अपना चाल चलन पर ध्यान दे साजन साहब, एक रिपोर्टर पर हाथ उठावल तोहरा के भारी पड़ सकेला। साजन साहब, गांव खा ले। अब कहां तानी पकड़ ली? जाइन। हे, हट। ए चल हट। एक मिनट मैडम, मैडम मैडम एक लास्ट क्वेश्चन मैडम, प्लीज प्लीज। बहुत महंगा पड़ी लोगे। बाप जी, ब्लास्ट एकदम सही समय पर भइल बा। चली हो गई शॉपिंग। पप्पू भैया, ये तो साजन के इज्जत के तिजोरी है हो। देखा था रूप के खजाना कितना चमकता। अरे ये तो स्टार के मेरारू ही है, चीपरी जैसा थोड़ी रही। भाभी, ये बदतमीज कौन हवे? ऐसा गली के कुत्तन के कोनो नाम ना हो खेला। चला दे बरानी। का हो भौजी? तहार बसियाइल कलौजी हमरा गोले धरत आ हमरा आगे के थरिया काहे खींचत? यह ड्यूटी पर जब डबल ड्यूटी होई तब पुरान हिसाब रफा दफा होई। अभी बता बता छोड़ी के ए जाके उठा के लाओ सन। तब तो और मजा आई। तू कैस गिनी है हम ऐस करो। औरत की कमाई में तो मौका ऐस करेला। देखा हमें अपन बाप से जाकर पूछ ली है। कल से निकली है लाली लिपस्टिक लगा कर। तुम्हारी हरकत के बारे में अगर हमारे पति के पता चल गई ना तो तुम्हार देही के नक्शा बिगाड़ दी है। बिगाड़ब तब हम तुम्हारा रूप के नक्शा के बक्सा।
जान के रूप तो बच गई, लेकिन तोरा रूप के अपना हाई टेम्परेचर धूप में ऐसा जलाई कि तोरा हड्डी के सुरमा बना के तोर बाप अपने आंख में लगा के घूमी। ए मरासन हमके हमेशा ऐसे ही मनाइब ना। हर समय हर पल
एक जन्म ना सात जन्म तक मनाए। जासन और एल्बम का तैयारी में लग जा सर। हाँ। जय हो। दमदम जी। एक्शन। एक्शन। आई। बस ये हमारे एल्बम हिट हो जाए, फिर तक कल्पना और साजन का जोड़ी जाए, तेल लगावे। अब यासी मुंह मीठा करी। हाय।
अरे लेकिन कौना खुशी में समझ ली कि राव ससुर जी भेजौले बड़े तब तो हम जरूर खाई अरे हो ए पर तो राव सबसे ज्यादा अधिकार बा खाई खाई जितने राव गला मीठ होई उतने हम निकेल बा मीठ होई वॉइस म्यूजिक कंपनी से तो बातो हो गई बा अब म्यूजिकल ऑडियो भी आ गई बा बजट भी ठीक ठाक बा कंपनी 10 लाख रुपया दे दिया हां अब बस राव सहमति के इंतजार बा अरे तो काले से रिकॉर्डिंग रख दी जय हो जय हो रउआ कोनो प्रॉब्लम नहीं खेनु कैसे बात करत रही रउआ गला के बारे में कुछ छत्र नहीं है काहे से किया बमवा के सारा कीतिया तो रउनु गावे के बा चंदन जी जी काहे की अगर हमार सास बा तो ब्यास जी हमार धड़कन हम गाइब तो सिर्फ और सिर्फ ब्यास जी के साथे गाइब कल्पना जी महिला प्रधान एल्बम बा तो आवाज भी लेडीज के न जाई ऐसे मतलब न तो हम ब्यास जी के अकेले छोड़ देती हूँ ब्यास जी कल्पना जी के तनी समझाई ना हाँ समझाई ना हम समझा दें कल्पना के अरे वो लेकिन चिंता मत करी कल्पना ही गई है जय हो जय हो जय परना जय हो जय कैसे बात करता नहीं रवा हम रवा बिना ना गए कह देनी तो कह देनी बस अरे के कहता तो क्या अकेलेगा बेटी आई हम तोरा सामने रहब ना तोरा साथे रहब हर परछाई बनके ठीक बा रवा खुशी में ही हमार खुशी बा झूम का झुलनिया हार
बुद्धिमानी का हरी हरी चले वाला आपकर दुनो घोड़ा हमरा के तो गधा लगा ताड़म था। पता नहीं कब हमरा के बंसीलाल के फोटो पर फूल माला चढ़ाए का मौका मिली। टेंशन मत ले, बहुत जल्द ही बंसीलाल का फोटो पर फूल माला चढ़े का शुभ संकेत मिलेगा। फिर से हमके झांसा तेतानी की दिलासा? यकीन दिलाओ तनी, सारा सेटिंग हो गई बा। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड विल गोज टू कल्पना। चीयर्स। लेकिन अवार्ड हमरे बेटी के पहले भी मिल चुकल बा। जा तनी, ओ बार जब अवार्ड मिल रहल तो कल्पना हमारे हाथ से मतलब रहुआ का हाथ से निकल गए रहली। लेकिन ए बार जब अवार्ड मिली कल्पना हमने का मुट्ठी में रही है। एक्सक्यूज मी मिस्टर साजनलाल, ये आपका पहला अवार्ड फंक्शन है। आपको क्या लगता है कि इस साल का बेस्ट सिंगर का अवार्ड आपको ही मिलेगा? बिल्कुल, हर साल मुझे पब्लिक का प्यार मिला है और हमको आशा ही नहीं विश्वास भी है कि इस बार भी पब्लिक का प्यार मुझे ही मिलेगा। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्लीज कम दिस साइड। कल्पना जी, मैगजीन के कवर पेज के लिए आपका सोलो फोटो चाहिए था। साजन और कल्पना के कुर्सी एक साथ ना होके नमस्कार, वेलकम वेलकम। अरे रवा लोगी ना और यहाँ? अरे वो गाना ना सुन ले बनी कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा। क्या करता नहीं रवा? बस एक कहनी है कि रवा लोगी सच में साया आई कि अभी जिंदा बनी। बड़ी भूथा मजाक कनिया महाराज देहिए थर थरा गिला। ओ जे बड़ी बेटी आई ना। आई का नाम हो? सुभानी सिंह। सर ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू सर। सर मैम प्लीज सेल्फी। दर्शक तो भगवान होले, पता ना केकरा पर कौन सी लाजा। हम आ गए नी। कल्पना जी, कल्पना जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरकार वो खड़ी आ ही गई जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले चरण की ओर, जो है मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। जी बिल्कुल। और वो लोगों के नॉमिनी बा अखिलेश राय, अजय सिंह और साजन लाल। और ये अवार्ड देवे खातिर हम स्टेज पे बुलावल चाहब भोजपुरी के जानल मानल संगीतकार श्री अविनाश झा घुंगरू जी के। सर प्लीज आप लोग गेस करें कि गे हो सके ना ये अवार्ड के हकदार। प्लीज प्लीज गेस करें। और ये अवार्ड जाता है साजन को नहीं अखिलेश को। थैंक यू। थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत करी अखिलेश राय जी के।
बढ़ते हैं अवार्ड्स के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जी हाँ, लेकिन ओकरा से पहले दुलाई वो कहल जाला ना कि ओकरा के जीते के आदत होइए जाला जेकरा के सफलता के शिखर पे पहुँचे के जुनून होला। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड। जी हाँ, हाँ? और उनका नॉमिनी बा लोग राधिका जी, सीमा जी और कल्पना जी। जी हाँ, इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वॉइस म्यूजिक कंपनी के चेयरमैन श्री कौशल कुमार जी को। कौशल कुमार जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वागत करी सर के। अ बिग अप्लॉज फॉर मिस्टर कौशल कुमार जी। सर ऑडियंस, एनी गेसेस? बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड गोज टू अवार्ड के हम केहू और के साथ बांटल चाहता नहीं। जिनकर ई अवार्ड पर और हमारे करियर में अहम भूमिका रहल बा, हम उनकरा के भी स्टेज पर बुलावल चाहता नहीं। और केहू और ना, म्यूजिक डायरेक्टर घुंगरू जी बाड़े। कल्पना जी ना बल्कि आप इनकर परछाई हैं। काहे कि परछाई हमेशा इंसान के पीछे चलेगा। मैगजीन के कवर के लिए आपका सोलो फोटो चाहिए था। अभी हर खुशी कितना निक लगेला। फिर वो हसीन लम्हा कहे ना निक लगे कि रवा हमके अकेला छोड़ के आ गए। नहीं बताबा, हम रवा के ढूंढत रहनी। बस अब बहुत थाकल बनी, तू आराम करा, कल बात कर जाए। चाय पी ली?
के साथ नमकीन ना चाहिए? चाय बाहर भेजवा दा। दमदम जी, कितना देर और इंतजार होगी, बुलवाई ना। ए, बुलाओ ब्याज जी के। अरे 5 मिनट रुकिए अभी। अरे इतना सवेरे सवेरे अब ब्यास जी, लक्ष्मी भोर हरियान हरिया ना देखे ली। कल होखे वाला प्रोग्राम के पार्टी पूरा पैसा दे चुकल बिया। लक्ष्मी तो घर के लक्ष्मी के नु देल जरा। हां ले ले ब्याज जी, कलाकार के जब नाम हो जाला ना तो पैसा फटाफट आवेला। आ जब से कल्पना जी के अवार्ड मिलल बा, यहां के देखे खातिर, यहां के सुने खातिर लोग पागल हो गइल बा। और तो और ब्याज जी, पूरा शो हाउसफुल हो गइल बा। कल्पना जी पे तो अब नोट के बारिश होई बारिश। बम बम जी जी, जिंगा बरसात सावन में नीक लगेला। जी जी, ओहिंगे घर के पत्नी घर के आंगन में निकला गेले। अब कल्पना गाना ना घर समझिए। गाना हम गए। अरे प्यार जी, हमनी के झटका मौत थी। रोगा दोनों बेगन के साथ है साटा भोजपा। लेकिन रोगा साथ है, अगर कल्पना जी के लोग ना देखे तो मार के बुढ़ी कूद दी हमनी के। अब प्यार जी, हमनी हमेशा राव कमाई या भलाई की चिंता कैले बानी सन। थोड़ा हमनी पे भी चिंता करी। ठीक बा, लेकिन रोवा लोगिन आइंदा ख्याल रखब। प्रोग्राम हम अकेले ही गए जी। खा कल्पना। जय हो, जय हो, प्रणाम। जय हो। ऐसन का हो गए कि हमार गावे में रोवा इतराज होके लागन? पहले तो खुद ही कतरानी की कहो। कल्पना, हर काम के एगो समय होला, और अब समय नहीं है। बोला श्री श्री 108 श्री हंसमुखनाथ जी महाराज नमस्कार। नमस्कार का नटई दबा के चमत्कार का चिट्ठी बचा। महानुभाव कर विभाग रक्षकर्ता, फिर भी राउत बेटी खामोश पानी। हाँ, पहले का खामोशी बम बम। ये आग में इतना घी डाला कि अपने धुआं का खुशबू हमारे नाक तक पहुंच जाए। रउआ खुशबू के चाहत छोड़ दी बंधुवर, काहे कि बहुत जल्दी हमनी के लगावल आग के राख रावर माथे पे तिलक बन के चमकी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, नमस्कार। आई एमाई। हाँ बेटा। हमारी इंतजार मत करिए, आज रात के हम नावे। वो कहे कैसे की गाना लिखवे के बाद गावे के बा, काल होकर शूटिंग बा। अच्छा तो कुछ खा के जा। अरे हम रास्ता में खा ले। प्रणाम। शायद रवा भूल रहल बानी, कालापन स्टेज शो बा। हमारे दास्त आतना कमजोर निके। ठीक बा, तू चाटू फाटू के लेके चल जिया प्रोग्राम में। हो सके तो हम बारे से बारे। अच्छा जा। I'm sorry.
कितना बड़ सजा मिली ये हम जानत रहती नू तो चापा कल में कूद के हम अपन जान दे देती। अरे महाराज फोन लगाई इन्हें हार्ट फेल होके वाला बा पता ना ब्याजी होई है कि ना होई। और कितना फोन लगाई 20-25 बार फोन लगाई ले बानी एक को फोन नहीं क्यों उठावत। अरे कल्पना जी भाई रहे दे बहुत जरूरी मसला चलता तनी रुआ फोन लगा के पूछी ना ब्याजी कहां बानी। हां चाटू फोन द। अरे रहे दे ऑडियंस में जाके शामिल हो जाते नहीं कि वो पहचानी ना कि हमनी के ऑर्गेनाइजर बने। दमदम जी 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 अनाउंसमेंट कराई हम संभालो स्टेज तब तक रहुआ जय हो चलो। अरे हुजूर अभी आए अभी बैठे अभी दामन ही संभाला है अभी आए अभी बैठे अभी दामन ही संभाला है जरा दिल थाम के बैठिए हुजूर क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है। ए अरुण जो धंधा पे लग जो। जी हाँ दिल थाम के बैठिए आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई बस थोड़ी ही देर में आपके बीच आ रहे हैं हमारे सुपरस्टार गायक कलाकार मिस्टर साजन और उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं मिस कल्पना। तो जोरदार ताली होनी चाहिए आपके हाथों की। ताली ना काली मिली तो के। अरे दोस्तों जरा सा इंतजार कीजिए आपके चेहरे अरे जल्दी चल सो में जाके लेट होता। हेलो हेलो साजन भैया। हाँ तुहरा माई के सांप काट ले ले बा। का जल्दी करते घरे आ जा तू। के बोलता हेलो 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 के कल्पना के प्यार भरा नमस्कार। बहुत जल्द आप लोगन के इंतजार खत्म होके वाला बा और साजन जी बहुत जल्द यहाँ आवे वाला पाड़न। तब तक हम एक गाना आप लोगों के सामने पेश कर रहल बानी। करे आजा हमसे मोहब्बत सनम ए दिल बाट तो हके। अरे दुखी आत्मा बंद कर ए दिल का सुख कर ओए गुंडा क्या साजन के भेजा ए कल्पना जल्दी साजन के बुलाओ ना तो चप्पल से मार दे। अरे भैया माई का भाई माई हाँ ठीक तो बड़े ना हाँ ना ते हमरे से झूठ बोलता रे तोरा के सांप कट ले बाना। हमरा के हाँ सांप हाँ हमरा मोबाइल पर फोन कर ला ना कि तोरा के सांप कट ले बा। अरे बच्चों ना कोनो गलत नंबर आए नोखी रे हम तो एकदम ठीक बानी ना ते झूठ बोलता रे। कैसे मुझे नाच के दिखाई रुक ए ए ए अब ठीक कुछ नहीं बेटा। वाह हमरा बेबसी पर हंसा था नहीं कि अपन बेवकूफी पर सवाल करा तरु कि जहरू गिले तरु अमृत पर भगवान के हक होला रहो आज के इन हरकत के बाद हमरा नजर में इंसानों लायक नहीं थी। लगता तो हर दिमाग खराब हो गई था। अरे खराब तो हमारी जिंदगी हो गई बा रहुआ जैसे जनक मोहना आदमी से शादी करके। अरे तू नहीं ये तो क्या बात करता रहो पब्लिक के जूता चप्पल खा के आ रहल बानी अम्मा जी। जब दिल दुखाला तो जबान से खाली सच्चाई ये निकलेला। अगर हमरा साथे
स्टेज शो करे में रवा के शान शर्मिंदा होत रहे तो प्रोग्राम कैंसिल कहीं नहीं करवाईनी। आवे के बोल के धोखा देवे के का जरूरत रहे। रानी तू हमके समझे के कोशिश कर, हमारा ऐसा कोनो इरादा ना रहे। हम प्रोग्राम में आवतरा नहीं है। अचानक यहाँ से कॉल चल गए की माइक साफ काट दे और हम भागल भागल यहाँ चले। मेहरारू के आगे महतारी के प्यार करन बहुत अच्छा बात बा, बाकी मेहरारू के धोखा पे धोखा दे के ओकर बेइज्जती कई बहुत गलत बात बा। कहाँ कट ले बासा हम तो देखी। हम एकदम ठीक बानी बिटिया, गोनो रंग नंबर के सही समझ के आगल रहे। हर वक्त कितनो मढ़ाइल रहे अपने ओरे खींची। देखा रानी माई से बदतमीजी मत कर। रवा जैसन एहसान भरा मौस के तमीज सिखावे के कोनो जरूरत नहीं है। हम एहसान भर मौस मानी अपन दिल से पूछी। ए खुद के गिरवी रख के तोरा बाप के बेघर होके से बचाव ले बानी। वो हैसियत लायक भी हम रउआ के बनाव ले बानी। अच्छा जब ते ही सब कुछ के ले बड़ी तो हम कौन पर माटी चढ़ाले बनी का। साजन जायदा ना बेटा दुल्हन के एहसान मान ला। मान लेती माई लेकिन हमके पता तो चले के चाहिए कि हमारे खेती कहले का भैया। अगर हम न रहती ना तो आज भी स्टूडियो में चाय पियावत रहती और लोगों के जुट्ठन उठावत रहती। ना हमार उस समय किस्मत खराब रहे और ना ही आज बा तब पर हमरा गाल पे मरनी। बाकी चोट सरस्वती माँ के लगा। जब ना घर में सरस्वती माँ की इज्जत नहीं है वो घर में हमें एक मिनट भी ना रह सकेनी। हाँ हाँ बात के कपार पर बोझ बन के रह के शौक पता जा सरस्वती माँ के बहाना मत करा। बेटा इतना गुस्सा उचित नहीं है, कितने घर में झगड़ा झंझट ना होला। ऐसे मत करना बेटा। जाइए भाई पता तो चले कि जौन औरत अपना पति के इतना बेइज्जत करके जाती है ओकर बाप ओकर कितना इज्जत करा था। नहीं बेटा दुल्हन। हाँ ली नमस्कार। हाँ। चमत्कार ओके वाला बा प्रभु। मैं तो भूल गई पापी पिया का देश बाबुल का घर प्यारा लगे। अबे तानसेन की औलाद अबे खाली कहीबे की कुछ बताइबे भी। हाँ। सरकार रुआ घर में। हाँ। रुआ घर के लक्ष्मी के आगमन होके वाला बा। शुभ संकेत मिल गई उन रंग। अरे जानी बिटिया तू अरे तुम्हारा आंसू बता रहा बाकी तू अपना खुशी सिया नहीं खेलू का भाई। हमार खुशी हमार अपने लोग ले लस बाबूजी। रवा से थोड़ा खुशी उधार मांगे आयल बानी। अरे हमें जब रह सके नहीं। अरे कैसन बात करता तालू तुहार घर बा तुहार घर है। अब कादे कमान छोड़ छोड़ तू अब अब बेटी अकेले आ गई लू दामा जी ना आइलन का कहे बिना दामाद की बेटी घर ना सकेली। अरे हमार कहे की मतलब ये ना रहे वो कहावत सुन ले बड़ू ना नैहर 9 दिन के और ससुराल 100 दिन के। बिटिया के असली घर ससुराल होला। का बात बा बेटी दामाद जी से कोनो वाद विवाद भेल। माई तू ही ना कह लू कि पति पत्नी एक दूसरे के सान और जान होला। हाँ बेटा फिर हम वो आदमी के साथ कैसे रह सकेनी जेकर जान हमार शान से जरूरत होके। वो घर में कैसे रह सकेनी जहाँ औरत पर मर्द हाथ उठावत होके। हमरा के पहले ही शक रहे जब एगो मयान में दू तलवार न रह सकेला तेगो छत के नीचे दू गो गायक कैसे रहे। आज तुहरा आंसू देख के हमार शक सच में बदल गई। बचपन के प्यार के दम पर हमार करूर तोड़े वाला आज खुद मगरूर हो गई बा। बिटिया हम समझ गए कि तुम्हार स्वाभिमान ही ओकरे अभिमान का कारण बन गई बा। हम अब्बे साजन के फोन करी ला। ना बाबूजी कोनो जरूरत नहीं की बस इतना बता दी कि हम एक घर में रह सकेनी की ना। अरे का बात करत तारू ई तुहार घर है जब तक चाहे रह
हमें था रख जा, जा अपने कमरा में। अरे ई रवा, फिर तो बोले लगलू है, बिटिया के कमरा में लेके जा, जा अब चला जा। सपना अधूरा रह गलमन से, हम तो हार के भी जीत गए नहीं, अपना बेटी के तो हम संभाल ले, वकील तो हार बेटा का कहा था साहू। सपना के महल के शमशान समझ के छोड़ आयल हमार बेटी, और तोहर बेटा के एक एक बूंद आंसू एक एक हथौड़ा के तरह तोरे आत्मा पर चोट करी, और हम उस चोट पर नमक रगड़े। वाह, एक रा के चमत्कार समझी कि तिरस्कार, दोस्त के मार देनी या दोस्ती खत्म हो गई। एगो बेटी के महतारी की नजर से सोचा, जेकरा चेहरा पर पसरल मातम चिल्ला चिल्ला कर कहता कि हमारी दोस्त मर गई, और सुना ये हमार और बंसी के बीच का मामला बा, तू जाके रानी के देखा जा। जी भोला, इंसान रास्ता तो भटक जाला, बाकी मंजिल मंजिल कबो ना भूलेला। बिटिया, साजन सांस बन के समाइल बा तोरे धड़कन में, ओकरे बिना तू ना जी पेबू बिटिया। माई, जब जिंदगी लापरवाह हो गई तब जान की परवाह का करी। गलत फेमी के पत्थर से अपने आप के मत तोड़ा बेटी, पति ही परमेश्वर होला। ए बेटा, एक बात याद रखा, टूटेला वही जे ना झुकेला। माई, टेकरा के तू परमेश्वर का दर पत्थर हो गई बा। बाबूजी को सीख दे लड़ले कि बिलाई रास्ता काटे, अच्छा बाप बेटा के नमस्ते करे ना तो समझ ले धोखा होके वाला बा। लेकिन बेटा बस, अरे वह कुछ कहने की जरूरत नहीं, राउरी हरकत
धोखा का एहसास दिला दिले बा हमके। लेकिन धोखा का धुआं राउर घर के चूहानी से उठत बा साजन बाबू, जिनमें हमारे बेटी का दम घुटत बा। अरे हमें को पाप है, अपना बेटी के बरत नहीं ही देख सकत। रौरा बाप है तो हमहू कहू के बेटा है, और अपने बाप के बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकत। साजन बाबू, अरे इज्जत का खजाना तो हमरे दिल में भरल बा, लेकिन हम मजबूर बन। अरे घर में अगर कचरा रखल जाए तो ओकर गंदगी घर में फैले लागेला, यही लिए घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक दिया जाला। कहे कि कचरा बटोरे वाले बाहर घूमे लन सन। हम ना रानी बेटी कहत रहे, रानी के तोरा हर चीज से नफरत हो गई बा बेटा। हाँ ना, घरे में चली, हो सकेला रउआ के देख के रानी के नफरत प्यार में बदल जाए, और तोरा के तलाक देवे का इरादा बदल दे। तलाक? हाँ बेटा, वो तोरा के तलाक देवे चाहला। देखा कैसा दिन आ गई बा, एक लड़की का बाप अपने दामाद से तलाक का बात कर रहा था। चलो बेटा, शायद बात बदल जाए। चलो बेटा, साजन साजन तू क्या बेटा, बाबूजी साजन अंदर कहीं नहीं आनी है? बेटी हम लोग से बहुत नहीं हो रहा, कहीं कैसे कही तुरा से, हमारा के तो समझ में नहीं किया आवर। बेटा ओकरा के तो तुरा सूरत से नफरत हो गई बा। अरे अपना तो तोरा से कोनो रिश्ता रखे चाहता ना हमी। एकर मतलब हमरा से मिलना आए रहन? ना बेटी, अरे वो तो अपने बाबूजी का फोटो लेने आल रहे। वो अपन कौनो निशानी हमनी के पास छोड़े नहीं खे चाहत। ना ना, ऐसा ना हो सकेला, हमार दमाद ऐसा ना कर सकेला। अरे तो क्या हम झूठ बोला था नहीं है? बिटिया के लिए अंदर जा। चला बिटी। निशाना जब सही जगह पर लागेला तो निशान जरूर पड़ेला साजन। अरे काकी हो, अरे भर भर दरिया आ गए लीन। काकी हो, अमर बाउची हो। विसर्जन तलाक के गंदा पानी में कल जाता है। तलाक?
जाने हो लागे के निकल जाई देही से पराने हो रोके खाती देले रहता एक आवाज हो देखे के दिन चल जाए।
खुश रह। भाई साहब रानी बिटिया ना आई नहीं, तबीयत भी तो ठीक बना उनकर। भौजी जिद का गिद्ध आदमी के समझदारी के चबा चला। हम रानी के समझावत समझावत थक गई। आखिर उतर तू लोगन का नाम सुनते ही बौखला जाला। बेटा ये ले ला। ईका दरअसल रानी तू लोगन से कोनो रिश्ता नहीं के रख के चाहला। यही से हम ही जरूरी समझ ली कि तोरे वो एहसान का बदला हम चुका दे जो तू हमने के बेघर होवे से बचाए बदे के लिए डाला। ये रख ला और ये पेपर पर साइन कर दा। कैसा पेपर? तलाकनामा। रानी तोहरा से रिश्ता तोड़ के दूसर ब्याह करे के चाहता। लेकिन अगर मतलब इतना ना होला कि रिश्ता रेगिस्तान और बुनियाद बंजर हो जाए। बोजी रिश्ता के रास्ते पर चले वाले मुसाफिर जब एक दूसरा से दूर हो जाले तो मजबूरी गार्जियन के मुंह पर मातम जैसे लगेगा। अगर हम अपना बेटी के खुशी में साथ न दे तो लोग हमारा बुए पर थूकी है। हम अपना संस्कार के साथ ना जाए दे। दीपेन सुनल माफ करेगा। रुकी हमारा खून में खैरात बांटे की आदत बा। रख ली रुआ बेटी के ब्याह में दहेज देवे के काम आई। कैसे
कैसे हो गई? ठीक से खाना वाना खाती है कि नहीं? आप लोग इसकी सेहत का ख्याल रखिए, तभी तो तंदुरुस्त बच्चा होगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कारे, टेंशन में हम बने और दारू तो नहीं के पिए तरह सा। ये दारू, दारू तू पियोगे? ये ले दारू। कतरा कतरा ना, आज तक पूरा समुद्र पिए के प्यास बा।
ई बता कि मेरा रूम में ज्यादा नशा होला के दर ए भैया मेरा रूम जोन होले हां उचें चें चें चल ले आवे आ और दारू आ चें 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 लगावे आ माई लबदा गिरावे ले आवाज सुना सन लागत बा के ये मरे गोला सके रंगीन रस लेकिन जब मुंह में गलत से पता चला कि ना इतना दर्रा चाची एक गल जो जाई बतिया बता मार वहाँ पे हैच हैच दर्रू पिले ले पूरा के पूरा पूरा तू बोले क्या बोले क्या बोले उसके पेट में पल रहा है, मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती और अबॉर्शन में माता पिता की रजामंदी की जरूरत होती है। वैसे भी वो बहुत कमजोर है, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसे किसी अनाथाश्रम में डाल दीजिएगा। हमादी का रुख मोड़ते हैं तमा आंधी मौसम, लेकिन ये मौसम मोड़े वाला ना चूड़े वाला बा कहीं बच्चा अक्सर माई बाप की जोर चला सक हमरा के तो म्यूजिक कंपनी और कल्पना का भविष्य खतरे में नजर आता तो हर खतरा डाले और तोरे म्यूजिक कंपनी बदे कल्पना के गांव के यात्रा के तरकीब हम सोच लेने वाले और रहल बच्चा के बाद तो ओकर व्यवस्था हम कर ले। और हमरे बेटा से हमके क्यों दूर कर चाहता छीनल चाहता कहीं सपना सस्ता ना होला माई सपना हकीकत का ही ना होला बेटा रानी के लिए वैसे भी कई महीना हो गए कोनो खोज खबर भी ना मिल रही उधर उसे अकेला क्यों उनकर पाव भारी हो गए जाके दुल्हन के देखावा तोहरो मन के शांति मिल जाए। हाँ हम जाए लेकिन अपने करेजा के टुकड़ा खाती वो काट करेजा औरत खाती ना हॉस्पिटल में हॉस्पिटल हॉस्पिटल का करें कल्पना मैडम माई बनने वाली बाड़ी माई हसमुख जी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनकी सेहत ठीक नहीं है एक तो वक्त से पहले डिलीवरी होना
जच्चा और बच्चा दोनों कमजोर हैं, मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। कहा हो ये? सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा। शांति से रहा, समझ लो, जाके बैठो। नहीं, हम रखे ना बैठे के बा। रोहन इतना गुस्सा ना करे कि देखिए आज का क्या होता। अरे बैठा शांति से, सोचे था के। अगर ये आ रही तो बच्चा के ठिकाने लगावे मुश्किल हो जाए। सुना? सुन लो ना डॉक्टर क्या कह ली। एक काम कर, घरे चल जा, हम पर्स ले आए भूल गली जल्दी जल्दी में, जाके कुछ पैसा लेके आवा, यहाँ जरूरत पड़ सके। काहे भूल गई नहीं फिर हुआ? अरे जमा करे के हो पैसा, जा फटाफट। ध्यान से सुनो, हमरे लड़की के बच्चा पैदा भइल बा, ये बात खाली हमरे और तोरे बीच रही, सगर दुनिया के ई पता चले के चाहिए कि हमरे बेटी के मरल बच्चा पैदा भइल बा, समझ गेलू ना? और पैसा मेरा? तोहर पैसा तोरे तक पहुंच जाए। साजन बाबू, आप यहाँ? हमार किस्मत भले करवट ले ले रोके, लेकिन हमार समय हमारे साथ चला था ससुर जी। कितना बदनसीब भाई बच्चा, केकरा पैदा होते ही रानी पाप समझ केकरा के दुत्कार दे ले। एकर मतलब ये हमार खून? हाँ साजन, ये तोरे खून। यही से करा के देखते ही रानी का खून खौल जाता। कहाँ ले जाता नहीं मां सुन के? ये बच्चा से जितना नफरत रानी के बाद, उतना नफरत तोरा के करा से हो कि यह सोच के हम एकरा के अनाथ आश्रम लेके जाता नहीं। ससुर जी, मातारी का आचरा भले मासूम का तिकपन बन गए लोग, लेकिन बाप के प्यार एकरा खाती अमृत बनी, और बाप के रहते बेटा अनाथ में क्यों सकत दी हमरे बेटा के? देखी हमरा के गलत मत समझी साजन बाबू, हम रानी के चित के आके मजबूर पानी। देखी हम अपना रिस्क पर ये बच्चा आपके दे सकत पानी, लेकिन एको शर्त बा। हम अपने औलाद खाती शर्त के हर वो पिंजड़ा में कैद होके खाते तैयार बानी, अपन चाहत तब बताई। हमार ना रानी की चाहत है। देखा ये लड़का का परछाई भी वो अपना ऊपर ना पड़े देवे के चाहता नहीं, और न तो हार वादा करा ये लड़का लेके कब्बो तू रानी के पास न आई बा, ओकरा जिंदगी से हमेशा दूर रह बा। चौना औरत के ममता अनहर हो बिल होके हमरा के देखे के काबिल नहीं के, मरते दम तक हमर हरुआ दानी भाई मरते दम तक हमरे के माफ करिए साजन बाबू। लगा था अपन चरित्र बचावे के चक्कर में लड़का देख के हम गलती कर देनी, फिर कौन बात नहीं, कुमार साहब से बतिया लगता नहीं। देख ले यह हमारा रास्ता का काटा, कौनो कीमत पर बचे के ना चाहिए, फिनिश। ठीक बा जो Yeah.
लेबे ना ले ले ना ले ले ना Ha ha ha!
दुल्हन रे माई, हमरा प्रति ओकरा दिल में इतना ज्यादा नफरत बा कि आज अपना कोख से जन्मल बच्चा भी त्याग देलस सिर्फ इसे कि हमारा सब ममता की कैसे सुहा कर सके। अरे ना ना, चुप हो जा बेटा, आज से हम ही तोहर माई और हम ही तोहर बाप बने और हम तोहर दादी। बेटा हमने के जीवन में छायल अंधियारा के ये सूर्य दूर करी, हमार सूर्य का मरल पैदा भल रहे। बात के समझे बेटा, समझे ना बाबूजी। चलो चलो बेटा, अब हमारे का काम बा। कुमार साहब, अब आपके ऑफिस गए रहनी, वहां से पता चलल कि आप शोरूम में बनी। हसमुख जी, आजकल एक बिजनेस से कहां जिंदगी कटे वाला बा, और ऐसे भी जगह खतरे में जो कंपनी खोल लेना ली, वो संगीत से ही नाता तोड़ लेलस। देखी ना हमनी के का सोचल रहनी और का हो गई। हम कल्पना के लेके बहुत चिंतित बानी, अब कल्पना के आपे के संभाले के पड़े। हसमुख जी, माना कि कल्पना हमारी कमजोरी है और लाश का साथ रिश्ता ना निभा जा रहा, लाश के दफना वाल जा रहा, और हम कल्पना के अपन दिल में दफना चुकल बने। लेकिन कुमार साहब, लेकिन उकिन कुछ ना, बात खत्म तो खत्म। आज के बाद कबो कल्पना के बारे में हमसे डिस्कस मत करियो। ये हम क्या करते नहीं, अपना छोटा अहंकार में अपने बेटी का घर बिगाड़ते नहीं। हे भगवान, तुम्हें कोनो रास्ता दिखा कि हम धरती राजा दुरानी नील गगन के, हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी। पापा, अगर तू धरती के राजा बाड़ा ता रानी के है, हम साथी। बोला पापा। माई माई। हाँ बेटा, का हो गए? आजकल पढ़ाई लिखाई पर कम और फालतू काम पर ज्यादा ध्यान देता। हाँ? और अपना उम्र से ज्यादा तो बोलन शुरू कर देले बा, और आज ही पढ़े का है ना गईला। अब तक इतने की ठीक नहीं कर का बिल बैकर का बिल भरे दुकार बैल बा। देखिए तो नहीं, मतलब आराम कर तो ठीक हो जाए, पापा के काम कर दे बेटा। बेकरा के बिगाड़े में सबसे ज्यादा तारे हाथ बा। गलती से भी कल्पना के दोबारा शादी करने की कोशिश मत कीजिएगा ना, ये मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार है और ना ही शारीरिक रूप से। एक बात और, अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो इसकी बची हुई जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम भी खाली चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, बस उसकी सलामती चाहिए। डॉक्टर साहब, एक के वो बेटी भी हमारी,
हमने के वह जिंदगी पिया रवा कुछ भी करी ओकरा के ठीक करती। एक उपाय है, मैंने गौर किया है कि वो बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद करती है। आप उसे ऐसी जगह ले जाइए जहाँ बच्चे ही बच्चे हो, शायद वो इस सदमे से उबर भी जाए। ऐसा एक जगह बाह हमारा नजर में। अरे रुक ना, अरे दूध तो पी ले। पापा इके है दादी है। ओहो हमार ना दादी है तोहार के है। हमार माई है। फिर हमार माई कहाँ बाड़ी बतावा ना पापा, माई कहाँ बाड़ी? मर गई बड़ी बेटा। दादाजी के जैसन? हाँ बेटा। सूर्या ये तू का करे जाता रहा? दादाजी नियन माई के फोट पे माना चढ़ावे। रह दे बेटा, तू औरत तोरा माला के भार सहे के लायक नहीं के। हम माला चढ़ाई हमारा करने की माला मत चढ़ा। हम चढ़ाई हम कहा था नहीं की छोड़ता। हम चढ़ाई सूर्या चल। एकर सवाल तो सही रहा, गलत जवाब तो तू देता रहा। दादी पापा माई के फोटो पे माला ना चढ़ावे देला, एकर मतलब माई जिंदा बाड़ीन और हमरे तरह पापा के भी बहुत याद आवेली। तू बस पता बता दे, हम बुला लाई बुनके। बेटा तोहर नान नान गुड़ बा, तू ना पूछ पे बा। दादी तू बस पता बता दे, हम बुला लाई बुनके। बस बहुत जप ले माई के नाम के माला, तोर नाम हम बोर्डिंग स्कूल में लिखवा देले बानी। सोमवार से ते उही जी रहबे और उही जी पढ़बे।
करता रहा बेटा, सुत जा। दादी ओंगी नहीं के लागत, कोनो कहानी सुनावा ना। अच्छा। आज तरह के कहानी सुनावा का हमरो मन में बहुत लालसा बा। सुनावा? एगो राजा रहना और एगो रानी रहनी, दोनों जाने बचपन में ही बिछड़ गई ना। फिर का भइल दादी? फिर राजा जब बड़ भइ ना, तो रानी के खोजे का कसम खइ ना। फिर? राजा रानी के खोजे खातिर गांव छोड़ के शहर गई ना, जहाँ उधर बदर भटके लगले। रानी मिल गई? हाँ बेटा, रानी मिल तो गई, बाकी एक दूसरे के लोग पहचान नहीं बोले। काहे? कैसे पहचान था, दोनों जाने तो बचपन में ही बिछड़ गए रहले, और जब मिलने तो काफी बड़ा हो गए रहले। बाकी राजा के पास एगो निशानी रहे रानी के पहचाने का, उनकर बचपन का फोटो। फिर दोनों जने में पहचान ना भाई? अंत में हो गई। कैसे? गाना से। गाना से? गाना से, जौन गाना वो दोनों जने बचपन में गावत रहना ना, वो ही गाना से। और जब रानी वो गाना सुन ली, तब उनके समझ में आ गया कि उनकर आपन राजा हुआ। कहानी खत्म? ना बेटा, फिर दोनों जाने का ब्याह भई। हाँ। और रानी एगो सुंदर राजकुमार के जन्म दे। लेकिन गलत फहमी का ऐसा नाम नहीं चला, फिर से दोनों जाने बिछड़ गए। फिर कैसे मिला लूलो? ये तो हमरा के नहीं पता बेटा, लेकिन हम ये जरूर जाना था ना कि वो राजा रानी और राजकुमार के है। के है दादी? बेटा, वो राजा तो हर पापा, रानी तो हर मम्मी, और वो राजकुमार तुम हो बेटा। तू रोवा मत दादी, हम वादा करतानी कि ई राजकुमार दोनों राजा रानी के मिलन जरूर कराई। बेटा, यह तुम्हारी स्कूल कैसा लागल? ओहो पापा, जब पढ़ाई हुई तब ना क्वालिटी पता चली। स्मार्ट बॉय। हेलो बेटा, यही मैडम खुशबू, तो आर मिस। नमस्ते मिस। नमस्ते मिस। मिस प्लस किस इक्वल टू किस मिस। नॉटी बॉय। बेटा, हम यहाँ तोरा का अकेले छोड़ के जाता हूँ, तो के तकलीफ नहीं क्यों का, तू अकेले रह जीवा। ओहो पापा, तू हमार खुशी खाते इतना तकलीफ उठावेला, और हम तोरा खुशी खातिर इतना तकलीफ ना उठा सकेनी। अब हम बड़ हो चुकल बानी, हम अकेला रह जाए। ठीक बा बेटा, अपन ख्याल रखिए। बाय पापा, तुम अपना ख्याल रखिए। बाय बेटा। बाय। कम बेटा। बेटा, अभी आप अपने हॉस्टल चले जाओ। ओके। आपकी क्लास कल से होगी। ओके मिस। दिल बार बार खो गया। I love खुशबू। I like खुशबू। How it is खुशबू? I'm fine sir, एकदम टकाटक। Not you, इस गुलाब का खुशबू बेबी। ओके बुढ़ा, प्रिंसिपल नहीं होता तो इसे जरा सा भी लिफ्ट नहीं देती। I love you खुशबू। Oh sir, same to you। No no, not you baby। इस गुलाब का खुशबू। ओके जाकर किसी गुलाबों को ढूंढो ना, मुझ पे क्यों लाइन मार रहे हो? डार्लिंग, आई एम साइलेंट लवर। ओके स्लो पॉइजन की तरह स्लोली स्लोली दिल को डैमेज करता हूँ। ओके आई लव यू। आई मैं बूढ़े लोगों को आई लव यू नहीं बोलता हूँ, सॉरी। हाँ अब ये सिर्फ लव यू ही होगा या फिर पढ़ाई भी होगी।
मेरा क्लासरूम किधर है? ओके ओके बेटा, तुम्हारा क्लासरूम उधर है। ओके गो टू योर क्लास। ओके ओह माय गॉड, वेरी डेंजर बॉय। सरस्वती माता, मैंने पापा से कह तो दिया है मैं अकेला रह लूंगा, लेकिन मैं पापा के बिना नहीं रह सकता हूँ। आप तो सबकी माँ हो, अब प्लीज मुझे मेरी माँ से भी मिला दो ना सरस्वती माता, प्लीज। देखा हमारे दोस्त का स्कूल आई। मम्मी, लगता है मम्मी पापा से नफरत करती हैं। अगर मैंने उनको अपने बारे में जाके बता दिया तो शायद वो मुझसे बात भी नहीं करेंगी, तो फिर मैं उनको पापा से कैसे मिलाऊंगा? और दादी से जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको पूरा कैसे करूंगा? लगता है कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया, हसमुख मेरे यार, रुखीदास यार, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मेरे दोस्त। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और सब ठीक ठाक है? भाई बिटिया नहीं दिखाई दे रही है। तू केहू के खोजे तारों का मम्मी। ओ सॉरी सॉरी आंटी। हाँ बेटा, अपन बेटा के है तुहार बेटा। लेकिन हम तो हर बेटा कैसे हो सके नहीं, हमारे तो सिर्फ पापा है, हम तो अपन पापा के बेटा है। वही तो बड़े, पता नहीं कौन बच्चा क्या अपन बच्चा समझ के बतिया होता है। ओ यार, बच्चा किसी का भी हो, बेटी तो अपनी है। बस किसी भी हालत में अपनी बेटी ठीक होनी चाहिए। हाँ भाई साहब, राव और मुंह में घी सककर भगवान करे हमारी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। चलिए आइए अंदर चलते हैं। अरे गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है। अरे यार गाड़ी में सामान है तो चपरासी को भेज कर मंगवा लेंगे। आइए आइए भाभी जी, आइए चलिए। अरे आइए चलिए तो। अरे मेरी बेटी आ जाएगी। तो मिलबो हमारे पापा से? मिला। बाकी तू हमारे दोस्त बनवा। दोस्त? दोस्त हाँ बने, ठीक बा। हम अपन पापा के फोन करके बुला लाए। ठीक बा। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा हम रहुआ के अपन एक खास दोस्त से मिलावल चाहता नहीं। बहुत है खास दोस्त। अच्छा, लेकिन बेटा हम रिकॉर्डिंग में बनी। आ जाए ना प्लीज, और आते वक्त हमार माउथ ऑर्गन ले आए। ठीक बा बेटा, हम ले आए। ओके पापा, थैंक यू। बाय बेटा। सर को चाहिएगा माउथ ऑर्गन बा का? हाँ बा। दे दी। ले आता नहीं। माउथ ऑर्गन बा? एक ही गो। तो हम कहाँ दूगो मंगले बने? पैक कर दी। पर ती तो इनकरा कर दे दिले बने। ऐसे टुकुर टुकुर का दिखा दानी? हम मंगने है ना? दे दी। एक्सक्यूज मी, माउथ ऑर्गन हम अपने बेटा खाती पसंद के लिए बनी। बेटा गुड। तो ओसे का भाई ए पर और नाम नहीं खे लिखल, ई हमके आपन बेटा खाते चाहिए। दी अचानक बेटा खाती इतना ममता। जे आदमी अपन पत्नी के ना समझ पावल, माई की ममता का खान समझी। हाँ समझदारी के सगरी दुकान जब तू ही रख ले भर, तो वही के संभाला। दी सेठ जी हमरा के दी। ऐसे कैसे? हम के चाहिए माउथ ऑर्गन, ई ली पैसा। कितना भाई? ठीक बस सेठ जी, ई नहीं के दे दी। कहे के दिल जोड़े के हुनर ही का लगे तबाना,
वैसे भी हम अपने बेटा के प्यार से पलने वाली खिलौना सेना। मुझे नहीं खेलना, तुम लोग जाकर खेलो। ठीक है। ना पापा आईले ना मम्मी आईले, कहूं के हमार चिंता नहीं के। सॉरी। चॉकलेट? माओ तो अर्कन कहाँ बा? बेटा, हम आउट रहे थे रास्ता में, हमारे को बिलाई रास्ता काट दलसिया। यही से तो हर माओ थरगन लेके ना पहनी। No problem। लेकिन बेटा, तार दोस्त कहाँ बा? ओही के तो इंतजार करता नहीं पापा। बेटा, हम आपस शूटिंग छोड़ के आए बनी, और हमार गेल बहुत जरूरी बा। तोरा दोस्त से हम संडे के मिले? हैं? संडे के स्कूल बंद रहेला पापा। ओहो, प्लीज बेटा, थोड़ा सा संभाल ला। ठीक बा। हाँ। संडे के हमार स्कूल के पार्क में आ जाइ हा। हम अपन दोस्त के बुला लाई। डन। डन। अब जा, तोहर क्लास शुरू हो गई बा। बाय। बाय बेटा। पिता जैसा होता है जो अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए खुद को कमजोर और खोखला कर लेता है। वंडरफुल, क्लैप फॉर मीरा। तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक कहती है। वैसे माँ क्या होती है, कौन बताएगा? सूर्या माँ? बोलो बेटा। माँ? लेकिन मेरी तो माँ है।
महाराज होकर चली गई। नहीं बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। अगर पापा पपीता होते हैं तो माँ मेवा होती है, जिसकी ममता कभी खत्म नहीं होती। माँ वो होती है जो अपने आंखों में दुख का दरिया समेट कर भी अपने बच्चों पर खुशियां बिखेरती है। माँ वो होती है जो मरने के बाद भी अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है। तो बन बा हमारी अच्छी वाली माँ। गिफ्ट ई का हा ई माउथ और गनबा तारा खातिर गिफ्ट। थैंक यू मम्मी। वेलकम। नॉट वेलकम जा, हम तोरा से बात ना करब। का भाई लमरो रोजो बेटा के पापा लंच टाइम में आके हमरा से मिल लेलन। तू लंच टाइम में काहे ना आइलो? सॉरी बेटा, एगो ऐसे मनहूस शक्ल से मिल गई नी कि गाड़ी के टायर पंचर हो गई, यही से ना पाऊंगी। सच्ची मुच्ची? ओके, संडे के पापा आवे के प्रॉमिस कईले बारन। तू स्कूल पार्क में हमार इंतजार करी हा, हम बुला लाए पापा के। ठीक बा। और अगर तू ना आइलो तो हम तोरा से कबो बात ना करब। ना बेटा, हम ना टाइम से पहले आ जाए। ठीक। सूर्या अभी तक आए ना आए। तू यहाँ का करता रू? ये पूछे कि हक करवा खो चुकल बानी। हक लिहल ना दिहल जाला। खैर छोड़ा, तुहार का हलवा एकदम मस्त। और राउर बेटा के एकदम हमारा पगल बा। भगवान करे खाली शकल ही गईल होके, अकल ना। ठीक बा, कबो फुर्सत में तोहरा के मिला। आपन अकल ओकरा के दे दिया। हम कहे दे आपन अकल राउर बेटा के। हाँ, ऐसे भी तोहरा से कुछ पावे की उम्मीद नहीं है। वैसे यहाँ के कर इंतजार करा था रहा। बाकी हूँ खास। और रउआ हम जेकरा के दिलो जान से चाहिले, जे हमारा दिल के धड़कन बा, ओकरे इंतजार करत तानी। अब यो दिल बा रउआ लगे। दिल के धड़कन तो के सुनाई थी। बड़ा ताजुब होता कि दूसरा पर बिजली गिरा वाला, अब यो बिजली के चमकला से डराता। बिजली के गिरवले बा आपन समीर से पूछी। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया इन लोगों ने, अब कौन सा आइडिया सोचूं? I like खुशबू। I love खुशबू। खुशबू जी एक से कंफ्यूज आइए मत, हम आपसे ही टॉकिंग कर रहे हैं। ओके ओह हमसे? यस खुशबू जी, कभी कभी बच्चों के प्रिंसिपल से भी टॉकिंग कर लिया कीजिए। आपका वैलिडिटी और बैलेंस दोनों मेंटेन रहेगा। ओके गुलाब जी, टेल मी, आपका सिग्नल बहुत वीक हो गया है।
टावर का रेंज बढ़ाइए, तभी इनकमिंग और आउटगोइंग का लाभ मिले। ओके, इसी गैलरी में जाके दिखा दूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो क्लास में चलते हैं। आजा 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 बेटे। पता है प्रिंसिपल सर, मुझे आज पता चला कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी सिंगर है। अरे बेटा, ये तो मुझे पहले से पता है। वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मेरी मम्मी ने चिल्ड्रंस डे पे गाने के लिए हाँ कर दिया है। अरे गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक बेटा। थैंक यू। अच्छा अंकल, कोई मेल सिंगर भी आने वाला है ना? ऑफ कोर्स आने वाला है। कौन है वो? बेटे वो तो सरप्राइज है, सरप्राइज। वो तो तुम्हें स्टेज पर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ वो गाना गाने वाला कौन है। हाँ, सरप्राइज। ओके, कम ऑन। ओके। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सूर्य प्रताप आप सबका ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। टीचर टीचर, आज ना कुछ कहना है हमको, आज हम खूब मौज उड़ाएंगे। पूरे साल सुन ली आपकी, आज हम अपनी बात सुनाएंगे। और इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम सब बच्चों की हौसला अफजाई और इस पूरे कार्यक्रम को संगीतमय बनाने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ मशहूर फीमेल सिंगर कल्पना जी को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कल्पना जी। लोगों को ये जानकर और भी खुशी होगी कि इस कार्यक्रम को और भी संगीतमय बनाने के लिए कल्पना जी का साथ देंगे भोजपुरी के स्टार सिंगर और मेरे फेवरेट साजन लाल जी। दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आप सब से क्षमा चाहती हूं कि मैं इनके साथ नहीं गा सकती। क्योंकि जो इंसान संगीत की भावना की कद्र ना करे, मैं उसका साथ नहीं दे सकती। सॉरी सूर्य। कल्पना जी प्लीज रुकिए, प्लीज कल्पना जी प्लीज। सॉरी सूर्या। ला 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 ला
बात मिले के चाहिए ना।